और यहाँ पे 22.5 करोड़ रुपए, सबसे महंगा, सबसे भारी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, गाय टोंडे के फूफा की लड़की निशु चौधरी। हे एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। अभी बजे हुए इवनिंग के 4:30। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि व्लॉग इतना लेट क्यों शुरू किया है, तो जस्ट एक ही रीज़न है कि हम लोग मॉर्निंग में 4:30 बजे के आसपास घर पे पहुंचे थे, फिर सोते सोते हमें 5:30-6 बज गए, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से उठा 7 बजे, एडिटिंग करनी शुरू करी, फिर पता नहीं कैसे बीच में मेरी आँख लग गई एडिटिंग करते करते, फिर मेरी आँख खुली दोबारा से 9 बजे, फिर एडिटिंग करनी शुरू करी, फिर करते करते 10 बज गए, फिर कल का व्लॉग 10 बजे लाइव हुआ था। एंड मुझे काफ़ी बुरा भी लगा कि यार आप लोग 8 बजे से वेट कर रहे हो और मैंने आप लोगों को 2 घंटे वेट कराया। एंड फिर मैं सो गया, उसके बाद नहीं मुझे कुछ भी पता शेयर वेयर करके व्लॉग आप लोगों को दिखा के, व्लॉग मतलब आप लोगों तक शेयर करके, उसके बाद सोया। एंड अब मेरी आँख खुली है डायरेक्टली, भूख लग रही है बड़ी तेज़, खुशी, और मैं जा रहे हैं नीचे, सब लोगों से मिलते हैं, सब लोगों को हाय हेलो करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और गुड इवनिंग विश करते हैं, और गुड आफ्टरनून विश करते हैं, एक ही बार सब चीज़ साथ में, फिर कुछ खाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमें लग रहा था हम ही 4:30 बजे तक सो रहे, तो मुझे लग रहा है माँ के सर में दर्द है, माँ भी सो रही है, पापा तो उठ के खैर उठे रहते हैं, पापा तो कभी सोते ही नहीं, पापा तो वर्कआउट कर रहे हैं बल्कि। और गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ सर में दर्द हो रहा है? हेलो फ्रेंड्स, मुंह को सफेद कर लो। आपने भी करा था, आपको देख के मैं भाई कुछ नहीं लगा था फेस वेस पे। आज ना मैं सच्ची में बताऊं, मुझे कुछ भी होश नहीं है, मुझे बस चक्कर आ रहे हैं, मतलब ऐसा चल रहा है कि मैं आंखें तो खुली है पर मैं सो ही रही हूं। लेकिन जो बैटल होने वाली है हमारी, हां आज हम लोग ना गेम करने वाले हैं। तो मां कैसी हो आप? मैं बढ़िया। अच्छा आपको कैसा लगा भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के मत्था टेक के? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको? बहुत सुकून, सुकून मिला। राजा आपको कैसा लगा? राजा कैसा लगा? सुकून, ठीक है। और एक अलग ही पॉजिटिविटी सी आती है जब ब्लू लगून पी लो। आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपको? बहुत अच्छा, पॉजिटिविटी। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। अच्छा आप मुझे लगा आप भी गए थे ना कुछ दिन पहले? हाँ वो मैं। आपको कैसा लगा साहब? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आते जाते रहना चाहिए लोगों को। वाओ, आपको कल कैसे लगा जब आप कल वहाँ गए? बहुत अच्छा लगा यार। सबको बहुत पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं अगली ट्रिप के बारे में कुछ बताना चाहोगे? आगरा, मथुरा, जैसलमेर, वृंदावन, वृंदावन, जोधपुर और गोवर्धन। Okay, तो इस बार हम जीजा जी का कहने का मतलब है इस बार हम सारा ये वाली बेल्ट कवर करेंगे, तो हम आगरा मथुरा होते हुए फिर हम राजस्थान जाएंगे, राजस्थान के बाद हम जोधपुर जयपुर भी जाएंगे, काफी जगह है जो रिवील करेंगे। उसके बाद हम वैष्णो देवी जाएंगे, उसके बाद वैष्णो देवी, और अगर इस जगह कोई हमारे फैम हो तो बता देना उसके घर आएंगे। लेकिन क्या हमारे अरुण भाई जो है वो बहुत ज्यादा वो अपसेट थे क्योंकि हम लोग यहाँ पे नहीं थे, तो इनका बेचारे का मन नहीं लगा। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी हम लोग बैटल करने वाले हैं, दो टीम्स होगी, एक टीम खुशी की टीम, एक होगी विवेक की टीम, तो देखा जाएगा कौन जीतता है। तो अभी अभी हमारे घर में होने जा रहा है महासंग्राम, जिसमें दो टीम होंगी, एक खुशी की टीम, एक मेरी टीम। अब प्लेयर बट रहे हैं, प्लेयर बट रहे हैं। विवेक, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ चार्जर, यू आर द लव चार्जर, यार मतलब द लव चार्जर। सो गाइस, जो हमारे डीओपी हैं उन्होंने हमें यही बोला कि वहाँ पे लाइट की कमी लग रही है, तो पहले प्लेयर पापा खुशी की टीम में जाते हुए 3.5 करोड़ रूपए मात्र। बहुत बढ़िया पापा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ मैं कहना चाहूंगा विवेक से, जो पिछले साल के भी वो जो इन्होंने लिए थे प्लेयर, वो पैसे मांगने के लिए आ रहे थे, इसलिए पहले पैसे ले ले, रेट लगवा देता है, खिलाता नहीं है, क्रिकेट की तरह करता है। गाइस मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को पता है लॉकडाउन में काम थोड़ा ठंडा था इसलिए पैसे नहीं दे पाया, इस बार लॉकडाउन खुल गया है तो अभी काम करेंगे, पैसा देंगे, ठीक है। तो पहला प्लेयर मेरी टीम में 5 करोड़ रुपए में जीजू आ चुके हैं। जीजू आप कुछ कहना चाहेंगे तो क्या दीजिए आप इनके लिए? बस अब मैं आ गया हूँ इधर, तो सामने वाले तो परास्त होने ही है यार। इस बार यहाँ पे पंजाब वॉकिंग 11 पंजाब ने कूड़ा खरीद लिया है 2.5 लाख में।
और यहाँ पर 12 करोड़ रुपए में यूवी चौधरी, मेरी टीम का नाम है रुड़की के बम्बैया। मुझे तो आना ही था, मेरी टीम का नाम है रुड़की के हवाबाज। मुझे तो आना ही था वरना हमारी टीम हार जाता। ओ पूरी टीआरपी देनी चाहती हूँ बिग बॉस की। यहाँ पर 12,000 रुपए में राजा। ये है गैंग्स ऑफ खुशीपुर और ये है वीरपाल के छोले। और ये है वीरपाल। तो 1300 रुपए में मम्मी खुशी हो रही टीम में। और यहाँ पे 22.5 करोड़ रुपए, सबसे महंगा, सबसे भारी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, गाय टोंडे के फूफा की लड़की निशु चौधरी और अगला मेरी टीम में है बबजीत सिंह। ओ नहीं यार, मैं को आज बबजीत सिंह बोला। यहाँ पे मात्र 900 रुपए लगे बबजीत सिंह। तो यहाँ पे हमारी टीम में बबजीत सिंह आते हैं। नहीं मैंने तो नुमेरो चूज किया इधर आमिर टीम में। वो मेरा बात है, नुमेरो मैं चूज किया है। खुशी टीम की जय। तो गाइस मेरी टीम में कौन कौन है? हम लोग क्या करनी, पहले बॉलिंग करेंगे? पहले क्या करें, बैटिंग करते? बैटिंग नहीं करते, बॉलिंग करते। बॉलिंग करते, टारगेट लेंगे, टारगेट लेंगे। कितने ओवर का गेम है? 5 ओवर के। चलो तो फिलहाल पहली बैटिंग है जीजू की। जीजू जाओ बैटिंग पे। चलो हमारे टीम से पहले मैं गेंदबाजी पे जा रहा हूँ, बेबी ने कहा है। तो हरभजन सिंह बॉलिंग पर। यहाँ पर हरभजन सिंह कैसे लग रहा है पहला ओवर देखना? पहले ओवर में कम से कम 2 विकेट। एक ओवर में 4 रन। जीजू सचिन से भेज दो बैटिंग पे अभी। हाँ मुझे यू भाग के भी रन ले रहे। और यहाँ पे विजय चौधरी आ रहे हैं हमारे कप्तान। हम ऐसे तो बार देते हैं सामने वालों को। अच्छा जी, अभी देखना हमारे कैप्टन आ गए हैं अभी यहाँ बैटिंग के लिए। मुझे बहुत विश्वास है। और अभी पिच का अरे हमारी टीम की कैप्टन दूसरे टीम की कैप्टन को कह रही है, उसमें मुझे बहुत विश्वास है हमारे का। बीकी नहीं हूँ मैं, ख्याल में पागल हूँ कैप्टन। डरा दो मैं। आखिरी गेंद दीदी 7 रन हुए अभी और अभी 2 ओवर बाकी हैं। पहले मैं खेल के थोड़ा रन निकालता हूँ, उसके बाद आपके ऊपर है पूरी पारी निकाल। आजा एक जब फिर मेरी जानम दो दीदी। आराम से आराम। दीदी बहुत बढ़िया, दीदी बहुत बढ़िया। 16 रन है दीदी, बहुत बढ़िया दीदी। चौका निकालना है 2 बॉलों पे। हम ऐसे पहली बॉल पे आउट कर देते हैं। मैं पे तेज पे बॉल। यार दीदी अब मजा तो 4 ओवर में 16 रन है हमारे। और अभी हम टारगेट 1 ओवर इनमें से करा दे। 4 ओवर बेटा 16 ही है बस। तो इन्हें है 5 ओवर में 30 रन के लगते, 6 का एवरेज चाहिए इन्हें। और हमारे पास बहुत तगड़े तगड़े बॉलर हैं। इंजमाम भाई पहला ओवर कराएंगे। तो आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, हम ही जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है? मेरे पति जीतेंगे तब भी हम ही जीतेंगे। ये क्या अच्छा ना आज ना पहले बैट्समैन कौन करना चाहता है? पहला ओवर आप निकालो और सुनो बढ़िया वन का ना नहीं हटा ले एक मेरे गले नहीं फील्डिंग पे तो चौका बचा बैटिंग में ही हटा ले। पापा जी छक्का चौका ऐसे मार दियो जैसे मक्खन हूं।
पापा जी रन का, पापा जी रन ले लो। चार गेंदे दो रन। आंदो आंदो आंदो। मार दो क्लियर आउट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा छक्का, ओ भाई छक्का, ओ छक्का छक्का, ओ चार गेंदे ग्यारह। सचिन तेंदुलकर इस समय मैदान पर है। सचिन तेंदुलकर इस बार मैं उनका बॉलर। ये बहुत घटिया है। वो कहो बहुत दूर, ये ग्राउंड से बाहर बहुत जाती है। एक बहुत बढ़िया ना। ये क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब, जो बंदा अब रिटायर होगा वो सबसे लास्ट में। ऐसा क्या मतलब नहीं, रिटायर होगा तुम नहीं आए। हाँ चलो नहीं आए, चलो 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 चलो। गड़बड़ मैंने, वैसे ऐसे ही होता है ना, मैंने गड़बड़ कर दी थी। कोई बात नहीं, पहुंच गए, पहुंच गए, मित्र पहुंच गए। 19 रन। इतनी तेज आ रही थी बॉल, एक अगर एक नैनो सेकंड पहले मुझे पता लग जाता कि मेरे पास, मुझे सही में पता लगा बॉल आ रही। कप्तान को सिर्फ जीत से मतलब, कप्तान की बैटिंग में आ रही। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कप्तान को जीतने से मतलब है, नहीं हमें कहा है। 21 21, बहुत बढ़िया। ये बॉल डिसाइड करेगी हमारी जीत या हार। तो भैया आपके हाथ में है जीत, दिन से मार दिए बॉल, प्रेशर बनाओ अपने ऊपर। आज में सचिन भाई में कुछ और ही दिख रहा है, भगवान ही करता। रिस्पेक्ट इनटू 100। वाह हटा, अरे उन्हें नहीं देना, उन्हें दे दे अपने प्लेयर प्लेयर ने चार दस किया है। हमारे प्लेयर को, हमारे कैप्टन को जीत की चप्पी ले लो। ये है हमारे आज की दुनिया के क्रिकेट के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक मोमेंट कि हारने वाला खिलाड़ी जीतने वाले खिलाड़ी के साथ गले लग रहा है, और ये दर्शाता है कि हमारे अंदर यूनिटी कितनी है। गेम एक अलग चीज है, ये हमारे देश की पहचान है। कोई भी हारे या जीते पर हम प्यार सबको करते हैं, गले लगते हैं, गले लगते हैं, प्यार सबको करते हैं, गले लगो अच्छे से, आपस में भी प्यार करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो राजा रेडी हो चुका है, नाव आगे बिल्कुल। फिलहाल अब राजा बोलेगा, राजा बोलो माम माम जी माम माम। अब आपके स्मार्ट बन के दिखाएगा राजा। बोलो जा, अब बोलो बब, अब बोलो सचिन। तो कल हम लोग गए थे बालाजी, आप सबने व्लॉग में देखा होगा। सो आज पूरा दिन हमारा ऐसे निकल गया। हम लोग 4 बजे उठे, 12 बज चुके हैं, बस सबको चक्कर चक्कर आ रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत एनर्जी आई थी हम लोगों में नहा के, वो हम लोगों ने वैसे निकाल दी क्रिकेट खेल के। माँ आपको कैसा फील हो रहा था? अब फिर नींद आ रही मुझे, तो नींद आ रही। चलो सो जाओ। अब सबसे एक्टिव बंदा यही है और मैं। हमारे कज़न की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो विवेक उनको देखने गए हैं। उनका अभी जस्ट फ़ोन आया था, वो देहरादून से आया है। तो विवेक आ जाते हैं वापस, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें अब कल सुबह उठ के देहरादून जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि हमारा एक प्लान बन रहा है। लेट्स सी अभी क्या होता है। आजकल राजा का जो फेवरेट प्लेस है वो यही। ओ बेटा आप ही टूट जाता, मार खाओगे आप। माम माम, हेलो गाइस, सचिन। हमें जस्ट अभी याद आया कि जो हमने ऊपर से वीडियो बनाई थी कैमरे की, वो कैमरा वहीं रखा हुआ है। अभी बज चुके हैं रात के ऑलमोस्ट 1:30, और वो अभी तक शूट ही करे जा रहा है। तो सचिन से उतारने गया है। हाय बेबी, व्हाट आर यू डूइंग? मारता तो मुझ पे टराया, शर्म आके मेरी पले का जो। तो ठीक है अभी दीपू? हाँ अभी ठीक है। हमें रातों तो नींद आती नहीं, अभी बज रहे हैं रात के 2 और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और दिन में हमें होश नहीं आती। ये क्या हो गया हमारे साथ? मेरे संज्ञासन से उठो, सिंहासन से। पहले नाम बताओ उसका सही। सिंहासन, उठो मेरे संघासन से। बाबू मैंने अभी तो कोई हक होगा, मैं आपकी चीज अगर मैं नहीं कहूँ। हाँ तो आप ये, अगर आपकी है आपने उठा दे तो मान जाऊंगा। 1 लाख नीचे, ठीक है, 1 लाख और नीचे, 1 हाथ नीचे। तो मैं अभी दूध गर्म करने आई थी। वैसे तो मैं काम चोर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ऐसी हरकतें कर देती हूँ, मुझे लगता है क्यों। तो मैंने सोचा पहले मैं दूध को ट्रांसफर करूंगी
किसी फ्राई पैन पे, फिर उसके बाद मैं गर्म करूंगी, फिर ग्लास में ट्रांसफर करूंगी। तो मैंने जग को ही उठा के सीधा इस पर गर्म करने के लिए रख दिया क्योंकि इसमें इजीली हो जाता है, देन सीधा ग्लास में ट्रांसफर करूंगी। जबकि मुझे पता है कि मुझे थोड़ी कुछ करना है, अरुण भैया को करना है, लेकिन फिर भी मैंने उनकी हेल्प करी। पूरे दिन में ले दे के एक दो काम करती है, उसके लिए पहले 8 बार पिलाएगी, फिर सुनाएगी, फिर माफी मंगवाएगी, फिर करेगी। एक काम करती हूँ मैं एक ही करती है ना। ये क्या करते हैं जो मैं नहीं करती, ऐसा क्या करते बता दे भाई से। चीतनी क्या हाल है, सुन मेरी बात। इस घर में मेरे से अलावा दो बच्चे हो रहे हैं, मतलब भाई मेरे, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम कैसे हो सकता है। ये तो मेरा भाई है ना, तू मेरी तरफ की बात करियो। अच्छा झूठ बोलना है, कब कब झूठ बोलना है। बब्बे एक बात सुन, यू लव जीजू और मी। वैसे तो मैं सच्चाई के मार्ग पर चलता हूँ, लेकिन अगर वैसे सिर्फ अंधाधुन प्यार करते जाना है तो जीजू। चलो एक चीज बताओ, कल मान लो कल किसी को नहीं पता था कि हम बालाजी जा रहे हैं। एक चॉइस देती हूँ, कल आप देहरादून जा रहे हो, तो आपको दिनों में से एक ही बंदा लेके जाना है, तो आप सबसे प्रेफरेंस पे किसको रखोगे? सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी रहेगी जीजू, अगर आप इतने प्यार में ढले ना। नहीं नहीं, सबसे पहली मेरी रहेगी। क्या है बाबूजी, ठीक है? और अगर दो हुए, दो लेके जा रहे हैं, तीनों में से दो। क्या हाल है सचिन भाई? क्या हाल है सचिन भाई, बढ़िया? तो इन दोनों के ले जाइए, मैं जा रही हूं। नहीं, मैंने इनके हाल पूछे हैं। लेके तो मैं आपको ही जाऊंगा। हक मार दिया आपने। हैं? मैं मरते दम तक आपका साथ दूंगा नोनू। मैं कल आपके साथ देहरादून जाने की नहीं। बाबू जारे की प्लीज। नहीं जारे। जारे की ना? मेरे उधर कोई काम नहीं। तू जारे की भाई? तू जारे की? मैं जारे की। यार नोनू कॉल कर, सुन कॉल, कितना एंजॉय करेंगे हम।